नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑटोमोबाइल गुरुजी में। जो लोग नए हैं उनको बता दूं जानकारी के लिए, ये है ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक नया चैनल जिसमें हम आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की सारी बढ़िया न्यूज़ और सबसे तेज न्यूज़ देते हैं कम समय में, बस पॉइंट टू पॉइंट न्यूज़ देते हैं। तो जो लोग नए हैं इस लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हम ये ऑटोमोबाइल न्यूज़ दे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। महिंद्रा थार 2020 में नई थार आने वाली है, उसकी कुछ फोटोज हम आपको दिखा रहे हैं जो लीक हुई हैं और एक्सपेक्टेड है कि महिंद्रा इसे शोकेस करेगा 2020 ऑटो एक्सपो में। तो क्या है इस गाड़ी में खास, क्या है चीजें अपडेटेड, चलिए पास से सुनते हैं। महिंद्रा थार एक नए प्लेटफॉर्म पर आ रही है जो कि होगा TUV और स्कॉर्पियो का प्लेटफॉर्म, जिस पर अब ये नई थार बन रही है। ये ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशली रहती है, इसलिए अब इसमें रोड लॉन्गर्स रहेंगे, वाइडर रहेगी और थोड़ी और चौड़ी रहेगी करंट जनरेशन थार से। जो स्पाई फोटोज हमें नेट पर मिले हैं या कुछ क्लिक्स भी किए गए हैं वो ये शो करते हैं कि इसमें फीचर किया गया है लो रेशो गियर बॉक्स, फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ मॉड्यूल है। सामने से गाड़ी का लुक चेंज किया गया है। इसमें आपको बम्पर्स की अगर बात करें तो बम्पर्स में डेडिकेटेड फॉग लाइट्स रहेगी इनसाइड की तरफ। साइड्स की बात करें तो LED आपको DRLs मिलेंगे, हेडलाइट्स भी इन्वर्टेड है। रूबिकॉन से काफ़ी स्मार्ट गाड़ी लगती है। जो हिंज बोनेट के हैं वो लो हिंज रखे गए हैं जैसे वेंगलर में आते हैं, और इसकी ग्रिल भी सामने की उससे मिलती जुलती है। न्यू थार काफ़ी चीज़ों के साथ अब इंजन में भी हमको चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसे कि इसमें BS6 इंजन मिलेगा 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ। न्यू जनरेशन इंजन रहेगा जो आपको महिंद्रा की XUV500 में मिलता है। गियरबॉक्स की अगर हम बात कर ले तो आपको इसमें मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इंजन। अपर मॉडल्स में एक्सपेक्टेड है कि शायद महिंद्रा इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट भी उतारे इसके टॉप वेरिएंट में, जो हमें देखने मिल सकता है। स्टैंडर्ड ऑप्शन में आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा, 4 व्हील आपको सेकेंड टॉप से मिलेगा जिसमें आप 4 व्हील ड्राइव के मजे भी मैनुअली ले सकते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आपको इसमें साइड प्रोफाइल में भी काफ़ी चेंजेस मिलेंगे। टायर से शुरू करें तो अलॉय व्हील का डिज़ाइन चेंज किया है, पहले स्टील अलॉय व्हील्स आते थे, रिम्स आते थे, अब इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। टायर्स का साइज हो सकता है 1 इंच हो, नहीं तो वही साइज रहने वाला है ऑफ रोडिंग के लिहाज से। फुट रेस्ट की इसमें अगर हम बात करें तो एंटी स्लिप के नाम से इसमें फुट रेस्ट आते हैं, जो ऑफ रोडिंग के टाइम में बहुत स्लिपरी रहता था पहले, अब वो नहीं देखने मिलेगा। डोर हिंजेस की बात करें तो पहले जो बुलेरो वाले हिंज हमको मिलते थे वो इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें अपडेटेड ऑफ रोडिंग के हैवी ड्यूटी हिंज लग रहे हैं। डोर ओपनर्स भी काफ़ी स्मूथ किए गए हैं और काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं रूबिकॉन से। इंटीरियर की अगर हम बात कर लें तो आपको इसमें फ्रेश इंटीरियर मिलेगा। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा एप्पल कारप्ले और ऑटो एंड्रॉयड का। ऑफ रोडिंग के हिसाब से सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल, पॉकेट सीट्स आपको मिल रही हैं इसमें। गियर शिफ्टर की पोजीशन भी बहुत सही है, पहले जैसे ऑफ रोडिंग का जो एंगेज करते थे वो आगे तरफ डैशबोर्ड के नीचे होता था, इस बार गियर बॉक्स के साइड में, गियर लीवर के साइड में आपको वो चीज़ ऑप्शन मिल जाएगी। पावर विंडो स्विचेस की बात करें तो वो भी आपको गियर बॉक्स के पास में ही उसी कंसोल में आपको फॉलो अप में मिल जाएगा, दोनों के दोनों आपको पावर विंडो इसी में मिल जाएंगे। सेफ्टी के लिहाज से भी इस गाड़ी में इस बार काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। अब इसमें न्यू सेफ्टी के हिसाब से आपको ABS कंपलसरी मिलेगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलेगा, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे और स्पीड अलर्ट सेफ्टी लॉस के हिसाब से आपको मिलेगा इस गाड़ी में। फिलहाल फैक्ट्री से उम्मीद है कि इसके 2 मेन वेरिएंट्स आने वाले हैं, हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप के साथ, जो दोनों कंपनी फिटेड रहेंगे। आफ्टर मार्केट में आप इसका सॉफ्ट टॉप लेके अपडेट करवा सकते हैं जैसे नॉर्मली लोग करवाते हैं। फाइबर का रहेगा, थोड़ा लीकेजिंग की प्रॉब्लम जो लास्ट टाइम रहती थी वो शायद इस बार नहीं मिलेगी, और नॉइस, कैबिन नॉइस इस बार कम रहेगा। कंपटीशन की बात कर ले तो इस बार कंपटीशन दे सकती है महिंद्रा था कंफर्टेबल और पॉकेट सीट्स के मामले में फोर्स गुरखा को लेकर फिर न्यू ईयर में आने वाली है। ये था एक छोटा सा रिव्यू महिंद्रा था जो लॉन्च होने वाली है स्पाई फोटोज के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर कर
नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन दबा ही दीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड और